टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई बहुत ही अच्छे होंगे। आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, बिकॉज़ क्या है कि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो इसलिए सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस पूरी तरह से क्लियर सुनाई ना दे रही हो। तो एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बन रहा है, बिकॉज़ कल हम जो हैं मॉर्निंग में मेरे बेटे के मुंडन के लिए जा रहे हैं निवान के, जो कि 8 मंथ का कम्प्लीट हो चुका है और 9 मंथ में उसका रनिंग है। तो हमारे यहाँ मुंडन जो है वो 1st ईयर 3rd ईयर और 5th ईयर में होते हैं, तो अभी मुंडन कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर मुझे 3rd ईयर तक वेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप 1 डे के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको बेबी के बैग में क्या क्या नेसेसरी आइटम्स रखनी चाहिए जो ज़रूरी होती हैं। ये सिर्फ हमारा ट्रेवल जो है 1 डे का है, हम मॉर्निंग में जाएंगे और इवनिंग तक वापस आ जाएंगे, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको दिखाऊंगी कि मैं बैग में क्या क्या रख रही हूँ। बाकी ये जो मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग है, इसमें मैं सारा आपको सुबह से लेके मॉर्निंग से नाइट तक का, यानी कि अपना पूरा व्लॉग, और साथ में जो कि हमारी कुल देवी हैं यानी कि शाकुंभरी देवी जी, उनके दर्शन कराऊंगी। बहुत मान्यता है उनकी और शक्ति पीठ में उनको इस तीर्थ को जो है वो काउंट किया जाता है, जो शक्ति पीठ है माता के उनमें उसको काउंट किया जाता है, तो उनके आपको दर्शन कराएंगे। तो ये जो मेरा ब्लॉग है ट्रैवलिंग का, ये एक पार्ट में नहीं आएगा, बिकॉज़ काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसे 2 पार्ट में डालूँगी, इसे ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली क्या है कि मेरा बेटा जो है वो 8 मंथ का होके 9th में लग चुका है और कुछ ही टाइम बाद उसका बर्थडे आ जाएगा, तो अगर हम अभी उसका मुंडन नहीं कराएंगे तो मुझे ये है कि उसके बर्थडे तक उसके हेयर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे ये है कि अभी जल्दी से हम करा लेते हैं। काफ़ी टाइम से प्लान बनाने की कोशिश हो रही थी पर पोस्टपोन होता जा रहा था, बट अब रश रश में जल्दबाजी में हमारा प्लान बना है। मेरे बड़े बेटे के टाइम पे तो काफ़ी बड़ा ओकेजन किया गया था, बट अभी हम फैमिली वाले अर्जेंटली जाके इसके मुंडन करवा रहे हैं। बड़े बेटे का एक्चुअली ऐसा था कि उसके टाइम पे मुझे कंफ्यूजन थी और मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा था कि 2nd ईयर में मैं इसका जो मुंडन है करवा लूँगी, पर मुझे फिर बाद में पता लगा अपने फैमिली मेम्बर से कि या तो 1st में या 3rd में होता है, तो फिर मुझे उसके बाद 3rd ईयर तक रखने पड़े और मुझे उसकी गर्ल्स की तरह 2 पोनी बनाने पड़ती थी। बहुत बड़े बड़े हेयर थे उसके, जितने निवान के 8 मंथ में हेयर हैं उसके 2 मंथ में थे, उसके बर्थ के टाइम पे भी उसके हेयर बहुत बड़े बड़े थे। निवान का इतना ग्रोथ नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन भी है कि उसके बाल इतनी जल्दी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसलिए हम जल्दबाजी में थोड़ा उसका मुंडन कराने के लिए जा रहे हैं। तो बस ये वीडियो तो मेरा इतना ही है, इसके बाद मैं आपको बैग पैकिंग दिखाती हूँ अपनी, और बाकी का वीडियो मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, जो मेरा ट्रैवलिंग का व्लॉग स्टार्ट होगा वो आप ज़रूर देखिएगा, एंजॉय करेंगे आप बहुत ज़्यादा, और साथ में आपको होंगे माता रानी के दर्शन। शाकुंभरी देवी जी की बहुत मान्यता है, उनसे आप जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। और बस यहीं पे मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, इसके बाद मैं आपको अपना बैग पैकिंग दिखाती हूँ, और बस मेरा जो व्लॉग है ट्रैवल व्लॉग, इसे ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज़ मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि बैग में हम क्या क्या रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बैग, जो कि मेरे बड़े बेटे के टाइम का है, डायपर बैग है ये। ये मैंने एक लोकल किड्स स्टोर से परचेज़ किया था और बहुत अच्छा था ये क्वालिटी का, उस टाइम पे मैंने इसे खूब यूज़ किया है और आज भी ये एज़ इट इज़ है, बस थोड़ा सा ये एक जगह से फटा हुआ है, बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्पेशियस बहुत है। तो सबसे पहले हमें बैग में क्या रखना है, ये देखिए, ये है डायपर। डायपर बच्चे के बैग में होने बहुत ज़रूरी हैं, और अब थोड़े एक्स्ट्रा ही रखिए, बिकॉज़ डायपर का पता नहीं होता, बच्चा गंदे कर देता है सुसु पॉटी वगैरह में। तो और एक आपके पास होना चाहिए वाइप्स, वाइप्स बहुत ज़रूरी हैं आपके पास। नेक्स्ट मैं एक रख रही हूँ टावल, टावल इसलिए बिकॉज़ मुंडन के बाद निवान को जो है नहलाना पड़ेगा, और ये उसका न्यू जो है
वो एक सूट है जो कि वो मुंडन के बाद नहाने के बाद पहनेगा, तो ये एक सूट रख लिया है। एक सूट मैंने उसका एक्स्ट्रा रखा है इसलिए ताकि वो कई बार बच्चा पॉटी कर देता है या वॉमिट कर देता है, कपड़े गंदे हो जाएं, तो एक पेयर हमेशा बच्चे का पास हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसी तरह मैंने अपने बड़े बेटे की भी एक टी शर्ट एक्स्ट्रा रखी है, कई बार बच्चा खाना खाते हुए गिरा दे तो हमारे पास एक टी शर्ट एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये आप हमेशा याद रखें कि बच्चे का एक एक पेयर हमेशा एक्स्ट्रा अपने पास ज़रूर रखें। उसके बाद ये देखिए कपड़े पैकिंग हो गए हैं, तो ये साइड में एक पॉकेट है, इसमें मैं उसका नहाने का सामान डाल रही हूँ। मुंडन के बाद उसे नहलाना पड़ेगा, तो एक है उसका टॉप टू वॉश और एक है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र उसका एक्चुअली हमारे डॉक्टर ने लिखा हुआ है, बिकॉज़ उसे थोड़ा ड्राइनेस ज़्यादा है तो डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है हम वो लगाते हैं। उसके अलावा मैं ये डाल रही हूँ फॉर्मूला मिल्क, बिकॉज़ न्यवान 8 महीने का हो चुका है, वो मेरी फीड नहीं लेता है तो हम उसे टॉप फीड देते हैं, तो ये उसका फीड है। और साथ में ये है उसका सेरेलेक, बिकॉज़ रास्ते में हम उसके लिए कुछ बना नहीं पाएंगे, उसे कुछ खिला नहीं पाएंगे, तो मैं उसके लिए डाल रही हूँ सेरेलेक। दोनों के मेजरमेंट स्पून जो हैं इन बॉक्सेस के अंदर ही मैंने डाले हुए हैं। निवान को जो है हम ये वाले फ्लेवर का सेरेलेक देते हैं, उसे ये पसंद है। घर पे हमेशा घर का बना हुआ बच्चे को खाना खिलाना चाहिए, खिचड़ी दलिया वगैरह, बट बाहर जो है इस तरह की पैकिंग ले जाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ बाहर हम बच्चे को ऐसा कुछ नहीं खिला सकते। तो उसके बाद ये देखिए साइड में पॉकेट में एक डाल रही हूँ सैनिटाइज़र, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बार बार निवान का जो है वो दूध बनाना पड़ेगा, उसको मिल्क बनाने से पहले हैंड सैनिटाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ गाड़ी में हाथ धो नहीं पाएंगे हम। और ये कुछ मैं उसके डाल रही हूँ रिटल्स, ताकि गाड़ी में हम उसे बिज़ी रख सकें। ये कुछ हैंकी, और इसके साथ ही ये मैं डाल रही हूँ उसके 2 पेयर बिब। ये 2 मैंने पीस डाले हैं इसलिए जब उसे हम फीड कराएंगे तो वो कपड़े ना गंदे करे, इसलिए 2 मैं बिब डाल रही हूँ। तो इसी के साथ निवान की पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। बस अभी जो है मुझे दूध और फीड बनाने के लिए गर्म पानी और साथ में उसकी बॉटल्स रखनी है, जो कि मैं सुबह ही रखूँगी। और ये है उसकी हैट, मुंडन के बाद उसके सर पे तेज़ धूप ना लगे इसलिए मैं हैट डाल रही हूँ साथ में। ये रुद्र की है, अर्जेंट मेरे पास यही अवेलेबल थी। साथ ही ये मैंने सुबह के लिए अपने कपड़े रेडी करके रख दिए हैं, एक सेट निवान का, एक रुद्र का, ये मेरे हस्बैंड का और मेरा। हम सबके जो कपड़े हैं वो नए हैं, बिकॉज़ जब हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जाते हैं किसी शुभ काम के लिए तो हमें नए कपड़े पहनने होते हैं। सिर्फ निवान जो है वो पुराना सेट पहन रहा है, बिकॉज़ निवान नहाने के बाद मुंडन के बाद नया पहनेगा, फ़िलहाल वो घर से तो पुराना ही पहन के जाएगा। तो इसके साथ हमारी सारी पैकिंग कंप्लीट होती है, और कुछ स्नैक्स वगैरह की पैकिंग है वो मैं सुबह ही करूँगी खाने के लिए रास्ते के लिए। तो बैग पैकिंग आपने मेरा देख लिया कि मैंने बैग में क्या क्या रखा है। बस अब कल का जो वीडियो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, वो इस वीडियो से अलग आपको मिलेगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगेगी, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।